डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है व्यवहारवाद के उद्देश्य। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन एक बेतरतीब विकास नहीं है। इस दृष्टिकोण के लिए राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में सुनिश्चित उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों के इर्द गिर्द संपूर्ण व्यवहारवादी अध्ययन व विश्लेषण हुआ है। संक्षेप में इनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर एक है, राजनीति विज्ञान को राजनीतिक घटनाओं के परिमंडल या क्षेत्र में यथासंभव स्पष्टीकरण देने और भविष्यवाणी करने की क्षमता से मुक्त करना होता है। पॉइंट नंबर दो है, सैद्धांतिक संचार या ढांचे के आधार पर राजनीति विज्ञान में ऐसे शोध करने पर जोर देना जिससे उसे पहचान और संगतता प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर तीन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में शीघ्र एवं अध्ययन के लिए ऐसी इकाइयों की खोज पर बल देना जिनकी स्थूल रूप से पहचान की जा सके तथा जिसके आधार पर व्यापक तुलनाएं की जा सके। चार नंबर है, सभी राजनीतिक प्रस्थापनों को तथ्यात्मक सामग्री के संकलन और विश्लेषण के आधार पर परखना चाहिए। पॉइंट नंबर पाँच है, केवल उन्हीं सैद्धांतिक संस्थाओं से सरोकार रखना जिनको तथ्यात्मक सामग्री के आधार पर परखा या जांचा जा सके। अगला पॉइंट है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उन सभी विकसित तकनीकों और यांत्रिकी सुविधाओं को जो आज उपलब्ध हैं उपयोग करना जरूरी है या किया जा सके। लास्ट पॉइंट है, इस बात पर जोर देना कि राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य बिंदु मनुष्य है और राजनीतिक गतिविधि सरकारी संरचना में ही नहीं बल्कि सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार विवादवादी राजनीति का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना है और विश्लेषण की मूल इकाई संस्था के स्थान पर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को बनाना है। किंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि व्यवहारवाद में राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को कोई स्थान नहीं दिया जाता। अधिकांशतः व्यवहारवाद पर लिखने वाले भारतीय लेखकों ने यही भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष निकाला है कि व्यवहारवाद संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार पर अधिक जोर देता है या आधारित है। इन विद्वानों की यह धारणा गलत है। वास्तव में व्यवहारवादी संस्थाओं को नकारते नहीं किंतु उनके अध्ययन विश्लेषण में गौण स्थान देते हैं। अतः व्यवहारवादी व्यवहार के साथ साथ संस्थाओं को भी अपने विश्लेषण का महत्व जानते हैं, बनाते हैं। जितना व्यवहार के संदर्भ के लिए आवश्यक होता है, उनकी मान्यता है कि मनुष्य के बिना संस्थाएँ अर्थ रहित होती हैं और वे संस्थाओं को क्रिया की व्यवस्था कहकर परिभाषित करते हैं तथा उन्हें अपने अध्ययन विश्लेषण में सम्मिलित करते हैं। थैंक यू।